मेहनत का फल हमेशा सफलता के रूप में ही मिलता है, लेकिन इस मेहनत और सफलता के बीच के समय में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। ये बात हमीरपुर जिला के कल्लर गांव से संबंध रखने वाली बॉलीवुड गायिका शिल्पा सरोज ने हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। गायिका शिल्पा सरोज ने कहा कि संगीत के सफर में उनके माता पिता का हमेशा उनके साथ रहना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना आज उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है। हमीरपुर जिला के उपमंडल हमीरपुर के एक छोटे से गांव कल्लर से संबंध रखने वाली शिल्पा सरोज ने कहा कि हालांकि संगीत को लेकर उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा और दीक्षा नहीं ली है, लेकिन देश के नामचीन गायकों मीका सिंह और मोहित चौहान जैसे लोगों का साथ मिलने पर उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रही। शिल्पा सरोज ने कहा कि अब तक उनकी यादगार फिल्में रही गुगली गुम है और गेम ओवर, इसके साथ ही वेब सीरीज फिल्में मिर्जापुर, बॉम्बे बेगम और क्यूबिलिक्स रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सोनी टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम सुपर डांसर का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। गायिका सरोज ने कहा कि वह अभी करीब 7 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जो फिल्में और वेब सीरीज शीघ्र ही रिलीज होने वाली है। शिल्पा सरोज ने कहा कि वह एक छोटे से गांव से निकलकर अगर इस मुकाम पर पहुंची है तो इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं शिल्पा सरोज और मैं कल्लर भिड़ा से हूँ, हमीरपुर की बेटी हूँ। और मेरा सफ़र शुरू हुआ बचपन से, मैं गाया करती थी। और जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी मैं, उस दौरान मुझे मौका मिला कम्पीट करने का, अपनी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने का नेशनली। तब मैंने पार्टिसिपेट किया, कम्पीट किया और मैं फर्स्ट आई। मैंने गोल्ड मेडल जीता नेशनली। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि मैं इस चीज़ को, इस हॉबी को मैं प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे गई, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था फॉर्चुनेटली। और बॉम्बे जाने के बाद फिर उसके बाद तो देर वॉज़ नो टर्निंग बैक, कुछ ना कुछ काम मिलता रहा। मैं जब पहली बार बॉम्बे गई थी, उस पहली बारी में ही मुझे मेरी पहली फिल्म सॉन्ग मिल गया था और वो मैंने गाया। और उसके बाद काफ़ी टीवी टाइटल ट्रैक्स गाए, एड्स गाए। फिर मुझे एक मौका मिला जब मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद तो चीज़ें बदल गई बिल्कुल। कुछ गा के सुनाएंगे जी? हो डची वाले अमोर मुहार वे सोनी वाले ले चलनाल वे, हो डची वाले अमोर मुहार वे सोनी वाले ले चलनाल वे, हो डची वाले अमोर मुहार वे, हो डाची वाले अमोर। मैंने जो अपना पहला ओरिजिनल गाया, जो मैंने खुद बनाया था, खुद लिखा, उसका नाम है कहता ना क्यों, उसमें भी आपको हिमाचली फ्लेवर आएगा। एक बहुत ही प्यारा हिमाचली फोक है, वो मैंने उस गाने के साथ मिक्स किया, हिंदी लिरिक्स और कुछ हिमाचली फोक। तो मेरे लिए हिमाचली म्यूज़िक बहुत ही खास है और एक अलग सी ही मिठास है हिमाचली फोक में। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वो हमेशा स्टेज पे गाऊँ और लोगों को अलग अलग हिमाचली संगीत सुना पाऊँ। हिमाचल के युवाओं के लिए आपका कोई खास संदेश? मेरा बस यही संदेश है कि मेहनत करते रहें और कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश करें, एक अपने पीछे लेगेसी छोड़ने की कोशिश करें। बहुत ही कंपेटिटिव दुनिया है इस वक्त, तो उस कंपटीशन में अपने आप को ना खोएं। जो आपकी एक अंदर की एक जो खासियत है वो किसी और में नहीं हो सकती, तो उसको पहचानें और उसको निखारें, उसको आगे लेकर जाएं ताकि आप कुछ अलग कर पाएं। धन्यवाद मैम। देखा जाए तो जो कामयाबी आपने हासिल,